स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी की सुपर हिट सीरियल मेहंदी है रचने वाली की कहानी अब एक दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि राघव और पल्लव एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, जबकि इनकी जो दुश्मनी है वो गलत फहमी की वजह से है। लेकिन आपको बता दें कि बहुत जल्द ये गलत फहमी दूर होने वाली और राघव पल्लवी से माफ़ी मांगेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि होगा कुछ ऐसा जहां पर राघव की अम्मा और बहन के साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसकी छानबीन के लिए, जैसा कि राघव ने पुलिस को ऑलरेडी बोल ही दिया है, तो वहीं अपकमिंग ट्रैक में तभी इंस्पेक्टर आके राघव को बताएंगे कि जो कुछ भी राघव की अम्मा और उसकी बहन के साथ हुआ है उसके पीछे पल्लवी का नहीं बल्कि सुलोचना का हाथ है। जी हाँ, इस खुलासे के बाद राघव के तो पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है, क्योंकि उसने इस बात की सज़ा बेचारी पल्लवी को जो दी है। वेल, अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि अब जब सच सामने आ गया है तो राघव किस तरह से पल्लवी से माफ़ी मांगेगा और क्या पल्लवी राघव को माफ़ कर देगी, क्योंकि उसने पिछले दिनों पल्लवी को काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत किया, उसके घर वालों को बेइज्जत किया, तो वहीं उसका जीना भी दुश्वार कर दिया था। जी हाँ, कमिंग ट्रैक देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां पर जल्द ही हमें इनके नए रिश्ते की शुरुआत, एक नई केमिस्ट्री इन दोनों के बीच में देखने को मिलने वाली है। तो आप सब इसके लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।